Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हम एक्चुअली थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं वाटर स्कार्सिटी और वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग। थोड़े से क्वेश्चन और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके साथ। हिंदुस्तान में तो हर काम पानी से ही शुरू होता है। बिल्कुल, पानी से ही शुरू होता है, पानी पे ही खत्म होता है। अंग्रेजों का तो चल जाता है बिना पानी के। जी वैसे आपको पता है भाई कितनी बुरी स्थिति है इस समय पानी की? हाँ डेफिनेटली, ये तो अवेयरनेस है। ये आपसे जैसे हमारे भारत में पूरे वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन है, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे पास पूरी दुनिया का पानी कितने % है? भैया वैसे तो जो है हमारा देश हर तरह रिसोर्स सारे अच्छे हैं यहाँ जी। वाटर रिसोर्सेज कितना है अंदर तो नहीं पता है, बट अंदाज़ा लगाइए कुछ भी। पेपर में आ रहा है कि स्कार्सिटी होने वाला है। 16 का मतलब जो है, मैं अगर आप हमसे पूछे तो 32% होना चाहिए। 32% होना। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे देता हूँ। हमारे पास पूरे वर्ल्ड का 4% पानी है, और उस 4% में से 70% ऐसा है जो पीने से लोग बीमार होते हैं। हर साल लगभग 2 करोड़ लोग तो पानी के पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं, और 100 करोड़ से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में बीमार होते हैं। भारत इतना पानी कम होते हुए भी कि 21 शहरों का पानी भारत में ख़त्म होने वाला है, उसके बावजूद भी भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पानी का। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो आप ही बता रहे हैं मुझे, इतना आइडिया नहीं, क्योंकि इसीलिए हम अवेयरनेस फैलाने के लिए इसीलिए काम कर रहे हैं। जैसे अब्दुल कलाम जी ने एक बार एक प्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा समय होगा कि आपको आधा गिलास पानी पीने की तो परमिशन मिलेगी, और जो महिलाएं होंगी उन्हें अपने सिर की शेव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सर तक धोने के लिए पानी नहीं होगा। अभी हंसी आ रही है सुनने में? नहीं, ये बहुत सीरियस इशू है डेफिनेटली। हंसी तो इसलिए आ रही है कि लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हर काम पानी से ही शुरू होता है। बिल्कुल, पानी से ही शुरू होता है, पानी पे ही खत्म होता है। अंग्रेजों का तो चल जाता है बिना पानी के। जी बट गॉड इज ग्रेट, गॉड हैज गिवन ब्यूटीफुल पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। नहीं, डोंट वरी फॉर दैट, गॉड विल टेक केयर। असल में क्या हो रहा है सर, अभी भी दुनिया में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है। अच्छा 2015 में 2 करोड़ लोग सिर्फ वाटर पोल्यूशन की वजह से मारे गए थे। तो मतलब भगवान ने तो एक बार आपको चलो बना के दे दिया, आपने बना के दे दिया, पर उसको मेंटेन करना तो आपका काम था। तो असल में क्या है कि ना तो सरकार हमारी रक्षा कर सकती, ना कोई समाज कोई हमारी रक्षा कर सकता। तो आपको अगर अपने परिवार को, आपको स्वयं को बचाना इस चीज़ से, तो आप क्या करेंगे, कैसे रक्षा करेंगे? ये तो अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, भैया आप जो है मिसयूज ऑफ वाटर जो है वो बंद किया जाए, यही है। और जो है जनता को अवेयरनेस दी जाए, भैया ये आगे ये प्रॉब्लम आएंगी। भैया हम जहाँ बैठे इस विषय में चर्चा करें, इस विषय में बातें करें, हम जहाँ भी लोगों से बैठे चीज़ का अवेयरनेस, मुझे ऐसा लगता है कि वो घर से इंडिविजुअल से ही शुरू होता है। तो अगर ये कंसर्न हम डेफिनेटली अवेयरनेस इनिशियली तो हम जो है अवेयरनेस फैला सकते हैं, बच्चों को अवेयर कराएंगे, क्योंकि बच्चे हैं उनको बताएंगे वो स्प्रेड करते हैं। जैसे कि आजकल हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड अवेयरनेस देते हैं तो बच्चे आगे भी स्प्रेड करते हैं। जी बिल्कुल, तो फ्रेंड्स को बोलेंगे, वो आगे कन्वे करेंगे। अपनी सोसाइटी में फ्रेंड्स हैं, स्कूल में फ्रेंड्स हैं, बाहर फ्रेंड्स हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस के सर्कल में, बहुत अच्छी बात कही कि हम बच्चों को अगर बचपन से हम एक चीज बोलना शुरू करेंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ इसके बारे में करेंगे। तो वही है जो बचपन में जो बच्चों को सिखाई जाती है वो उनमें हमेशा लॉन्ग लास्ट सस्टेन करती है। जैसे जैसे छोटी छोटी हैबिट्स है कि हम पूरा टैप ना खोल के थोड़ा खोलें। जी, और ये तो हम अभी भी उनको सिखाते हैं कि आप अगर लाइट नहीं यूज करें, लाइट बंद करें, पानी अगर वो ड्रॉप जा रहा है तो आप उसको क्लीन अच्छे से बंद करें, टाइटली बंद करें। जितना कम पानी यूज़ कर सकते हो आप उतना मग में लेके यूज़ करो, बजाय इसके कि टैप को ऑन करके छोड़ो। सो ये चीज़ें हम घर से सिखा रहे हैं, बच्चे अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी सिखाते हैं, उनके फ्रेंड्स भी आते हैं हमारे घर में तो वो उनसे भी यही बोलते हैं कि आप ऐसे करो। अच्छा दूसरा, आजकल असल में उस चीज़ पर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुई नहीं। 2017 में दिल्ली गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा था, जिसका घर भी 120 गज से बड़ा है उसके घर में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट होना चाहिए, वरना फाइन लगेगा। एक्चुअल में मैं बिलोंग करता हूँ रूरल से। अच्छा। मैंने देखा है कि जब मैं गांव में जाता हूँ और वहाँ जो है समरसेबिल लगे हुए हैं। अच्छा। और वो पानी मतलब वो ऐसे ही बह रहा है। आई थिंक सो उसका ये भी रीजन है कि जो बिजली है ना वहाँ वो महीने का फिक्स है उनका, चाहे वो कितना भी चले, उनमें मीटर से बिल नहीं आ, बिल उतना मीटर से बिल नहीं आ रहे हैं उनके। जब मीटर से बिल नहीं आ रहे हैं तो अगर मीटर से बिल आएंगे तो उन्हें बंद करना पड़ेगा। अच्छा और एक आपको जो बाहर से वाटर बॉटल्स खरीदते हैं उसे भी बंद करना है, क्योंकि वो 1 लीटर पानी के पीछे 7-8 लीटर पानी वेस्ट हुआ होता है, उसको वॉशिंग में और प्रिपरेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हम ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है हम अपना वाटर कैरी करते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो हम अपने साथ अपना वाटर बॉटल, आज भी आए हैं बच्चे अपना वाटर बॉटल लेकर आए हैं। तो हम अवॉइड करते हैं बाहर से लेना, क्योंकि डेफिनेटली वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और पानी पीने के बाद बॉटल्स इधर उधर सब थ्रो करते हैं। कोई कैरी नहीं करता है, नहीं वो पाँच दस मिनट का यूज़ होता है, फिर वो उसके बाद फिर प्लास्टिक को गलने में लग जाते हैं 500 हज़ार साल। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको ना ही ज़्यादा यूज़ करें, और बॉटल्स भी हम मेटल में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टील बॉटल। आप नॉन वेज खाते हो या वेजिटेरियन हो? मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो आप तो बचा ही रहे हो पानी। एक वेजिटेरियन आदमी हर रोज़ 4000 लीटर पानी एक्स्ट्रा बचाता है, मतलब ये अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि लगभग आधा किलो मीट के प्रोडक्शन में लगभग 9000 लीटर पानी खर्च होता है, आधा किलो मीट के प्रोडक्शन में। और साथ साथ मतलब वो हमारे पानी को पोल्यूट भी करता है, खर्च तो होता है, ये पानी को पोल्यूट भी करता है। तो चलो आपके यहाँ तो मैं जो है ना वेटनरी डॉक्टर रहा हूँ। अच्छा। मैंने ये देखा है, मैं कुछ टाइम मेरी पोस्टिंग स्लोटर हाउस में भी रही है। अच्छा, स्लोटर हाउस में? हाँ, बहुत पहले 1982 में। अब तो मैं रिटायर्ड हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कितनी गंदगी है, कैसे। अब आई थिंक सो जो नए बने हैं इनमें तो शायद आई थिंक एडवांस होगा, मैं नहीं देखा। मैं आपको 1982 में मेरी पोस्टिंग रही है, एक साल ऐसा ही हाल है सर अभी भी स्लोटर हाउसेस का। आई थिंक सो ये तब मॉडर्नाइज बन गए हैं, तो इनमें तो शायद अच्छा होगा, मैं गया नहीं हूँ। मॉडर्नाइज है, बट जो गंदगी वहाँ से निकलती है उसको इन्होंने डिस्पोज तो करना ही है। वो पानी में जाती है, सॉइल में जाती है। हाँ, ये है कि हाँ उसको, ये हमारा जितना भी वेस्टेज है, अब दिल्ली में जितना भी वेस्टेज पड़ा हुआ है, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम इसको कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें। सारी गंदगी भरी पड़ी है, तो इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, रिसाइकलिंग करके इस तरह से कुछ करके कोई चीज़ बनाई जाए ताकि ये भी यूज हो जाए और सफाई भी हो जाए। तो बिकॉज नेचर विल टेक केयर, नेचर विल गिव यू द वाटर, नेचर विल गिव यू द फूड, नेचर विल गिव यू द एवरीथिंग। वी डोंट वरी अबाउट दैट। पानी तो बनाया नहीं जा सकता ना, जितना पानी है हमारे पास अवेलेबल है। नाउ दैट देयर मस्ट बी यू नो अवेयरनेस फ्रॉम गवर्नमेंट। हां, इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। बाय चांस मान लो आज हम ये ना माने कि वो पानी की नेचर की तरफ से ठीक होगी, क्योंकि एक किसी फेमस राइटर का कोट था ये, हम बचा सकते हैं सिर्फ अपने आप को, ना सरकार बचाएगी, ना हमारा पड़ोसी बचाएगा, ना कोई और बचाएगा। तो आप पर्सनली आप क्या करेंगे? वाटर स्कार्सिटी अवेयरनेस होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, पानी जितनी जरूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। आप मतलब ये करेंगे, और आगे अगर पानी खत्म हो जाता है तब क्या करेंगे आप? वो तो फिर देखा जाएगा, गवर्नमेंट को देखा जाएगा। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, अगर आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप बताओ। ये तो बहुत पहले की बात है, बहुत दूर चले गए। पानी पहले खत्म, तो पानी खत्म नहीं खत्म हो रहा है सर, मतलब ये वैसी बात है। हम अगर होगा नहीं खत्म, डोंट वरी फॉर वाटर, वाटर विल नॉट गोइंग टू बी डिक्रीज, वाटर विल इंक्रीज, दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिक्रीज, डोंट वरी फॉर दैट। अगर कोई भरी दोपहरी में आंखें बंद करके कहे कि सूरज तो निकला ही नहीं, उन्हें रास्ता कौन दिखा सकता है?